आज हम नेक के एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। नेक जो है रीजन है बॉडी का जो कि लाया करता है बिटवीन लोअर मार्जिन ऑफ द मैंडिबल अबव एंड सुप्रा एक्सटर्नल नॉच एंड द अपर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल बिलो। सर्वाइकल पार्ट जो है वर्टिब्रल कॉलम का जो कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा और सपोर्ट करता है स्कल को, ये बनाएगा बोनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द नेक। हायर्ड बोन मूव करेगी रिलेटिवली फ्रीली और एंकर करेगी टंग को। मैस ऑफ एक्सटेंसर मसल पोस्टीरियर होंगे वर्टिब्रा के और स्मॉलर ग्रुप ऑफ फ्लेक्सर मसल एंटीरियर होंगे। पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि लैरिंग्स, ट्रेकिया, ये रन करेंगे थ्रू एंटीरियर कैनाल रीजन ऑफ द नेक। और पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री सिस्टम जैसे कि फेरिंग्स एंड ईसोफेगस ये पास होंगे थ्रू द पोस्टीरियर सेंट्रल रीजन। एट द साइड्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर वर्टिकली रनिंग कैरोटिड आर्टरीज, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वैगस नर्व एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया, नेचुरल लाइंस ऑफ क्लीवेज ऑफ स्किन जो है वो कॉन्स्टेंट होंगी और वो हॉरिजेंटली रन करेंगी अराउंड द नेक। ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसीजन अलोंग अ क्लीवेज लाइन विल हील अ नैरो स्कार, जबकि वो लाइन जो कि क्रॉस करें इन लाइंस को, हॉरिजेंटल लाइन को, और वहाँ पे अगर हो जाए स्कार, इंसीजन हो जाए, तो वाइड हीप्ड अप स्कार रह जाएगा। सुपरफिशियल फेशिया जो है नेक का वो थिन लेयर बनाएगा जो कि इनक्लोज करेगा कुटेनियस नर्व्स को, प्लेटिस्मा मसल को और सुपरफिशियल वेन्स को, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स को। अब हम पढ़ेंगे कुटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ द नेक। पोस्टियर रेमा ऑफ सर्वाइकल नर्व्स 2 to 5 सप्लाई करेंगी स्किन ओवरलाइंग द ट्रेपीजियस मसल और बैक ऑफ द नेक को एंड बैक ऑफ द स्कैल्प को वर्टेक्स तक। सबसे पहले है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व जो कि ब्रांच है पोस्टीरियर रेमस ऑफ द सेकेंड सर्वाइकल नर्व का। फर्स्ट सर्वाइकल नर्व की कोई कुटेनियस ब्रांच नहीं होती। फ्रंट और साइड ऑफ द नेक की जो स्किन है वो सप्लाई होगी बाय एंटीरियर रेमा ऑफ सर्वाइकल नर्व 2 to 4 थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस। ब्रांचेस जो है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड से अराइज होंगी। अब हम ये देखेंगे लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ये हुक होगी अराउंड एक्सेसरी नर्व और असेंड होगी अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल और सप्लाई करेगी स्किन ओवर द लेटरल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल रीजन और मीडियल सरफेस ऑफ द ओरिकल को भी करेगी। नेक्स्ट है हमारी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ये जो नर्व है ये असेंड होगी अक्रॉस स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और डिवाइड होगी ब्रांचेस में जो कि सप्लाई करेगी स्किन ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड ऑन द पैरोटिड ग्लैंड एंड ऑन बोथ सर्फेसेज ऑफ द ओरिकल। उसी के नीचे अब हमारी ये ट्रांसवर्स कुटेनियस नर्व है जो हम पढ़ेंगे, ये जो है ये इमर्ज होगी बिहाइंड द मीडियल एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, ये पास होगी फॉरवर्ड अक्रॉस दैट मसल और डिवाइड होगी ब्रांचेस में जो कि सप्लाई करेंगी स्किन को ऑन एंटीरियर एंड लेटरल सर्फेसेज ऑफ द नेक फ्रॉम द बॉडी ऑफ मैंडिबल टू द स्टर्नम। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स के बारे में अगर देखें तो ये इमर्ज होंगी फ्रॉम बीनीथ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल और डिसेंड होंगी ये अक्रॉस द साइड ऑफ नेक, ये पास होंगी ऑन टू द चेस्ट वॉल ऑन शोल्डर रीजन पर डाउन द लेवल ऑफ द सेकेंड रिब तक। इसमें जो मीडियल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है ये क्रॉस करेगी मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल को और सप्लाई करेगी स्किन को एज फार एज मीडियन प्लेन तक। जो इंटरमीडिएट सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है ये क्रॉस करेगी मिडल ऑफ द क्लेविकल को और सप्लाई करेगी स्किन ऑफ द चेस्ट वॉल को। और लेटरल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व क्रॉस करेगी लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल को और सप्लाई करेगी स्किन ओवर द शोल्डर एंड अपर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड मसल। ये नर्व ऑल्सो सप्लाई करती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर को एज फार एज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला तक। अब हम बात करेंगे प्लेटिस्मा मसल की। ये थिन ब्रॉड क्लिनिकली इंपॉर्टेंट मस्कुलर शीट होती है जो एम्बेडेड होती है सुपरफिशियल फेशिया में। ये समराइज हुई है, हमने पहले ही बयान कर दी है किसी टेबल वगैरह में, एक्सप्लेन हो चुकी है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा क्लिनिकल भी करेंगे। ऑल्दो ये लोकेटेड है नेक में मेनली, लेकिन प्लेटिस्मा वन ऑफ द फेशियल मसल है ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट फेरिंजियल आर्च और ये इन्वर्टेड इनर्वेट होता है बाय फेशियल नर्व। क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेटिस्मा मसल करेंगे। प्लेटिस्मा जो है वो देखा जा सकता है थिन शीट ऑफ मसल जस्ट बीनीथ द स्किन बाय हैविंग पेशेंट क्लेंच हिज और हर जॉ। ठीक है, अगर हम उसको कहें अपनी जॉ को क्लेंच करें तो हम उसको ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं ये प्लेटिस्मा मसल है। ये मसल अब कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, ये असल में बॉडी ऑफ मैंडिबल से डाउनवर्ड जाता है क्लेविकल पर एंटीरियर चेस्ट वॉल तक। प्लेटिस्मा की टोन और नेक इंसीजन, लेसरेशन या सर्जिकल इंसीजन इन नेक में वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि सबकुटेनियस लेयर जिसमें प्लेटिस्मा हो वो केयरफुली सूचर की जाए, क्योंकि टोन ऑफ प्लेटिस्मा मसल जो है वो पुल कर सकता है ऑन स्कार टिश्यू जिसके नतीजे में ब्रॉड अनसर्टली स्कार्स रिजल्ट हो सकते हैं।
अब हम देखेंगे प्लेटिस्मा की इनर्वेशन और माउथ की डिस्टॉर्शन। जो सर्वाइकल ब्रांच होती है ना फेशियल नर्व की, ये इनर्वेट करती है प्लेटिस्मा मसल को। ये इमर्ज होगी लोअर एंड ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड से और ट्रेवल करेगी फॉरवर्ड टू द प्लेटिस्मा। ये समटाइम क्रॉस करती है लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल को और सप्लाई करती है डिप्रेसर एंगुलर ऑरिस मसल को। ये स्किन लेसरेशन जो कि मैंडिबल पे हो या अपर पार्ट ऑफ द नेक को हो तो ये अफेक्ट करते हैं प्लेटिस्मा को और डिस्टोर कर सकते हैं शेप ऑफ द माउथ को भी, क्योंकि वही नर्व जो है माउथ को भी डिप्रेसर एंगुलर ऑरिस को सप्लाई कर रही है और वही प्लेटिस्मा को भी कर रही है नर्व सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जगुलर वेन। एक्सटर्नल जगुलर वेन बिगिन होती है जस्ट बिहाइंड एंगल ऑफ मैंडिबल बाय द यूनियन ऑफ द पोस्टीरियर रेट ऑरिकुलर वेन विद द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, ये दोनों मिलके और ये बना रही है एक्सटर्नल जगुलर वेन। ये डिसेंड होगी ओब्लिकली अक्रॉस द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल और जस्ट अबव द क्लेविकल इन पोस्टीरियर ट्रायंगल। पियर्स करती है डीप फेशिया को और ड्रेन होगी सब क्लेविन वेन में। ये कंसिडरेबली वेरी करेगी साइज में और इसके कोर्स में, एक्सटेंड फ्रॉम द एंगल ऑफ मैंडिबल से लेके मिडल ऑफ द क्लेविकल तक। इसकी कुछ हम ट्राइब्यूटरीज देखें तो एक्सटर्नल जगुलर वेन की जो है ट्राइब्यूटरीज वो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, उसके बाद है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन, उसके अलावा है पोस्टीरियर एक्सटर्नल जगुलर वेन। ये पोस्टीरियर एक्सटर्नल जगुलर वेन जो है स्मॉल वेन होती है जो ड्रेन करती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प को और नेक को और ज्वाइन करती है एक्सटर्नल जगुलर वेन को हाफ वे अलोंग इट्स कोर्स। इसके दूसरी एक और ट्राइब्यूटरी है ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, इसके अलावा है सुप्रा स्कैपुलर वेन और एंटीरियर जगुलर वेन। ठीक है, ये सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। एंटीरियर जगुलर वेन बिगिन होती है जस्ट बिलो द चिन बाय द यूनियन ऑफ सेवरल स्मॉल वेन्स। ये डाउनवर्ड रन करेगी नेक में क्लोज टू द मिड लाइन जस्ट अबव द सुप्रा एक्सटर्नल नॉच। वेन्स ऑफ द टू साइड यूनाइट होंगी बाय ट्रांसवर्स ट्रंक जिसको हम कहते हैं जुगुलर वीनस आर्क। ठीक है, ये वेन फिर ट्रन करेगी शार्पली लेटरली और पास होगी डीप टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल और ड्रेन कर देगी एक्सटर्नल जगुलर वेन में। अब हम देखते हैं क्लिनिकल्स। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जगुलर वेन की विजिबिलिटी, ये लेस ऑब्वियस होती है चिल्ड्रन में और वुमेन, क्योंकि उनका सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो थिकर होता है देन ऑफ द एडल्ट मैन। ओबीस इंडिविजुअल्स में भी वेन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है आइडेंटिफाई करना जब उनको कहा जाता है कि अपना ब्रेथ जो है होल्ड करें, विच इम्पीड द वीनस रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड डिस्टेंस द वेन। सुपरफिशियल वेन जो है नेक की वो टेंड टू बी इनलार्ज और ऑफन टॉर्चरस इन प्रोफेशनल सिंगर्स में, क्योंकि प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ रेज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से उनकी टॉर्चरस हो जाती है वेन्स। एक्सटर्नल जगुलर वेन एज अ वीनस मैनोमीटर, एक्सटर्नल जगुलर वेन जो है वो सिवियर सर्व करती है एज अ यूजफुल वीनस मैनोमीटर। नॉर्मली जब पेशेंट लाए करे एट अ हॉरिजेंटल एंगल ऑफ 30 डिग्री पे, लेवल ऑफ ब्लड और एक्सटर्नल जगुलर वेन का रीच कर दिया जाता है अबाउट 1/3 ऑफ द वे अप द नेक। ठीक है, और जैसे ही फिर पेशेंट सिट करेगा तो ब्लड लेवल फॉल हो जाएगा अंटिल इट इज़ नो लॉन्गर विजिबल बिहाइंड द क्लेविकल। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल जगुलर वेन की कैथेटराइजेशन। एक्सटर्नल जगुलर वेन जो है वो यूज़ की जा सकती है कैथेटराइजेशन के लिए, लेकिन प्रेजेंस ऑफ वाल्स या टॉर्चिसिटी जो है वो उसको कैथेटर को डिफिकल्ट कर सकती है पास होने के लिए। राइट एक्सटर्नल जगुलर वेन जो है क्योंकि वो डायरेक्ट लाइन होती है विद द डायरेक्ट लाइन होती है सुपीरियर वेना कैवा के साथ, इसलिए ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है। वेन कैथेटराइज होगी हाफ वे बिटवीन द लेवल ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड क्लेविकल। पैसेज ऑफ कैथेटर शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब वाल्व ओपन होते हैं। क्लिनिकल्स कंप्लीट हो गए, अब हम देखते हैं सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स। ये सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये होते हैं अलॉन्ग एक्सटर्नल जगुलर वेन और ये सुपरफिशियल होते हैं स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल के। ये रिसीव करते हैं लिम्फ वेसल फ्रॉम ऑक्सीपिटल एंड मैस्टॉइड लिम्फ नोड्स और ड्रेन कर देते हैं इनटू द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। नेक के मसल्स का टेबल तो हमने पूरा कर लिया था, अब बस हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो ये जो मसल होता है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ये अपीयर होता है एज ऑब्लिक बैंड क्रॉसिंग द साइड ऑफ द नेक फ्रॉम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से लेके टू द मैस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कल तक। ठीक है, ये डिवाइड करता है नेक को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल्स में। आगे हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। एंटीरियर बॉर्डर जो है इसका कवर करता है कैरोटिड आर्टरीज को, इंटरनल जगुलर वेन को, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को, आल्सो ओवरलैप करता है थायराइड ग्लैंड को। स्किन फेशिया प्लेटिस्मा मसल और एक्सटर्नल जगुलर वेन कवर करेंगी मसल को सुपरफिशियली।
इसका डीप सरफेस जो होता है वो डीप सरफेस जो है पोस्टीरियर बॉर्डर का वो रिलेटेड होता है टू द सर्वाइकल प्लेक्सस ऑफ द नर्व्स के साथ, फ्रेनिक नर्व के साथ, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ। अब हम क्लिनिकल करेंगे स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रॉमा। ठीक है, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड जो स्ट्रॉन्ग थिक मसल होता है क्रॉस करता है साइड ऑफ द नेक को, प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग सॉफ्ट स्ट्रक्चर को ब्लंट ट्रॉमा से। सुसाइड अटेम्प्ट्स में जो कटिंग वंस थ्रॉट ऑफन फेल, क्योंकि इंडिविजुअल फर्स्ट एक्सटेंड करता है नेक बिफोर मेकिंग सेवरल हॉरिजेंटल कट्स विथ नाइफ। एक्सटेंशन सर्वाइकल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम की और एक्सटेंशन हेड की एट द एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे कॉज करेगी कैरोटिड शीथ को विथ इट्स कंटेन लार्ज ब्लड वेसल्स स्लाइड कर जाए पोस्टीरियरली बीनीथ द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल। डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव करने के लिए जब नेक और हेड फुली एक्सटेंड हो, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेवरल अटेम्प्ट्स बनाने के लेने के बाद ही कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो सक्सीड करते हैं जब लैरिंग्स और ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल जो है वो सीवियर हो। कॉमन साइड जो है वोन्स की वो इमीडिएटली अबव और बिलो द हायर्ड बोन होती है। नेक्स्ट क्लिनिकल है कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस। मोस्ट केसेस जो है कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस के रिजल्ट करते हैं एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल की वजह से ड्यूरिंग द डिफिकल्ट लेबर। हेमरेज हो सकती है मसल में और डिटेक्ट हो सकती है एज अ स्मॉल राउंडेड ट्यूमर ड्यूरिंग अर्ली वीक आफ्टर बर्थ। ठीक है, लेटर ये इन्वेड हो सकता है फाइब्रस टिश्यू के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और शॉर्टन कर देगा मसल को। मैस्टॉइड प्रोसेस जो हमारा होता है थस वो पुल हो जाएगा डाउन टूअर्ड द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ऑफ द सेम साइड। सर्वाइकल स्पाइन फ्लैक्स होगी और फेस लुक्स अपवर्ड टू द ऑपोजिट साइड। अगर ये अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो एसिमेट्रिकल ग्रोथ चेंजेस अकर इन द फेस और सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो वेज शेप हो सकती है। नेक्स्ट है स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस। ये रिजल्ट होती है फ्रॉम रिपीटेड क्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल की और ट्रेपीजियस मसल की। ये साइकोजेनिक होती है इन ओरिजिन। सेक्शन ऑफ द स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व जो है वो नेसेसरी होता है सीवियर केस में। अब स्केलिनस एंटीरियर मसल, ये की मसल है अंडरस्टैंडिंग रूट ऑफ द नेक के लिए। ठीक है, ये डीपली प्लेस होता है और ये डिसेंड होगा ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम से लेके फर्स्ट रिब तक। इंपॉर्टेंट रिलेशन अगर हम देखें तो इसके एंटीरियर क्या होगा, कैरोटिड आर्टरीज होंगी। एंटीरियर आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर कैरोटिड आर्टरीज पास होंगी, वेगस नर्व पास होगी। ठीक है, जो इंटरनल जुगलर वेन है वो पास होगी, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी होंगे, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुप्रा स्केपुलर आर्टरीज भी होंगी, प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप फेशिया होगी जो कि बिहाइंड होगी इस फ्रेनिक नर्व के। ठीक है, इसके अलावा जो है ये सब होंगे एंटीरियर टू द मसल, सरफेस ऑफ द मसल। अब आप पोस्टीरियर रिलेशन देखें इस मसल के, तो सर्वाइकल प्लूरा होगी, ओरिजिन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में, और सेकेंड पार्ट ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी का होगा, ये सेकेंड पार्ट होगा इसका, और स्केलिनस मीडियस मसल जो है बिहाइंड होगा स्केलिनस एंटीरियर के। ठीक है, मीडियली हम देखें स्केलिनस एंटीरियर के क्या होगा, रिलेटेड होगा टू द वर्टिब्रल आर्टरी के, ठीक है, वेन के एंड सिंपैथेटिक ट्रंक के। ऑन द लेफ्ट साइड जो है मीडियल बॉर्डर रिलेटेड होगा टू द थोरेसिक डक्ट, यहाँ पे थोरेसिक डक्ट भी होगी लेफ्ट साइड पे ओनली। इसके अलावा अब लेटरली देखें स्केलिनस एंटीरियर के लेटरली क्या रिलेशन है, तो इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस, रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी जो है लेटर होगी। एडजेसेंट एजेस स्केलिनस एंटीरियर की और मीडियस मसल की और जो फर्स्ट रिब है ये एक ट्रायंगुलर गैप बनाएगी, इसको इंटरस्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। सबक्लेविन आर्टरी, रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस पास होंगे इस ट्रायंगल से, नैरोइंग अगर हो जाए स्केलिन ट्रायंगल की, इंटरस्केलिन ट्रायंगल की एक्स्ट्रा मसल स्लिप की वजह से या सर्वाइकल रिप की वजह से, तो कंप्रेस कर सकती है न्यूरोवास्कुलर कंटेंट को और इस्केमिया हो सकती है या नर्व डिसफंक्शन इन अपर लिप हो सकता है। जो स्ट्रक्चर पास होंगे आउटसाइड द ट्राइंगल जैसे कि सबक्लेविन वेन, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो कि ट्रेपेजियस को सप्लाई करती है, सुप्रा स्केपुलर आर्टरी और फ्रेनिक नर्व, ये इस कतरे से बाहर होंगी।